शाहजहाँपुर जिले की पोलाईकला तहसील के ग्राम पोलाईखुर्द में अनोखी प्रथा से होली मनाई गई, जहां परंपरा है कि जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है वो होली पर्व पर दहकते अंगारों में से होकर गुजरते हैं। तो वहीं इस परंपरा में शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमा, सिंहस्थ मेला विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त माखन सिंह चौहान समेत हजारों लोग शामिल हुए। होली का त्यौहार मान्यताओं और परंपराओं का समागम है। देश के अलग अलग हिस्सों में होली कहीं फूलों से तो कहीं रंग गुलाल लगाकर तो वहीं मथुरा में लठ बरसाते हुए खेली जाती है। लेकिन आपने कभी आग के जलते अंगारों पर चलकर होली खेले जाने के बारे में सुना है? इस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन पोलाईकला तहसील के गांव पोलाईखुर्द में होली के दिन गल महादेव के मंदिर प्रांगण में दहकते अंगारों पर चलने की परंपरा है, जिसे देखने हजारों लोगों के साथ शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार, सिंहस्थ मेला विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त माखन सिंह चौहान शामिल हुए। पोलाईखुर्द में प्रतिवर्षानुसार गल महादेव के इस स्थान पर यात्रा का आयोजन होता है। गल महादेव के यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। मन्नत पूरी होने के बाद में यहाँ चूल पर चढ़ने की एक अद्भुत परंपरा है और ऐसे सभी लोग उस चूल पर चलते हैं, उनको उस चूल पर किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। सचमुच में एक प्रकार से ये चमत्कार है और ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। मैं आज के अवसर पर सभी यहाँ गाँव के लोगों को, आसपास से आए हुए श्रद्धालुओं को अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ। क्या है, ये जो गांव है ये बहुत प्राचीन काल से बड़ा सिद्ध स्थान रहा है। यहाँ सिद्धों की भूमि है। ये सज्जननाथ जी महाराज स्वयं सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने यहाँ पर समाधि ली। इनके बाद में भी एक माता दीन जी महाराज करके बहुत सिद्ध पुरुष हो गए जो यहाँ बैठे रहते थे और आसन लगा करके और सीधा स्नान करने के लिए उज्जैन चले जाते थे, वहाँ समेति पर स्नान करके आ जाते थे। तो ऐसी यह सिद्ध भूमि बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। यह जो परंपरा है यहाँ पर गल महादेव की, यह भी बहुत प्राचीन काल से, क्योंकि यहाँ का रहने वाला जो समाज है ये 11वीं शताब्दी में राजस्थान से आया हुआ है, तो अपनी परंपराओं को वहाँ से साथ में लेकर के आया है और उन परंपराओं को लगातार वो यहाँ पर अभी जीवित रखे हुए हैं। और दिन दिन हर वर्ष लगभग इसमें तेज़ी से प्रगति होती जा रही है। बड़ी संख्या में लोग बढ़ते जा रहे हैं, उपस्थित होते हैं, आनंदित होते हैं। सही, इतना बड़ा समाज आता है तो सबको आनंद आता ही है। भाई इसमें मैं तो आग्रह करता हूँ कि इसमें आयोजन में और चीज़ें बढ़ना चाहिए। कुछ प्रवचन बढ़ सकते हैं, कुछ रामलीला वगैरह ये कुछ हो सकते हैं यहाँ पर, और कुछ सुधार कार्य गांव के लिए हो सकते हैं, वो भी सारे अपेक्षित है। एक अच्छा गांव बने, एक आदर्श गांव बने, स्वस्थ गांव बने, धार्मिक गांव बने, सुंदर गांव बने, यह हमारी सबकी इच्छा है। धीरे धीरे प्रगति हो रही है, आप सब लोगों का आशीर्वाद रहे तो ये गांव प्रगति करता जाएगा। और विशेष करके मंत्री जी का और सरकार का इनका सहयोग मिलता रहा तो उसमें कोई हमको शंका नहीं कि गांव एक अच्छा गांव बनेगा। तो वहीं इस परंपरा पर लोगों का मानना है कि ग्रामीण आपदा और बीमारियों से दूर रहते हैं, साथ ही उन्हें भगवान की कृपा से कोई तकलीफ नहीं होती है। पोलाईकला से सोहन मरेठिया की रिपोर्ट।